नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ कल की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए अपने चैनल थिंकिंग मॉडल में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। कल हमने इस कार को बेसिक मॉडल बनाया था और अधूरा छोड़ा था। आज हम इसको थोड़ा सा कलरिंग करते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें हम बेसिक चीज़ें क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो कलरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसे मटेरियल्स में जाना होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेक्शन मटेरियल का है। ध्यान रहे, यहाँ पर दो सर्कल आपको दिखेंगे, पहला जो होगा वो मटेरियल का होगा और दूसरा जो होगा वो होगा वर्ड का। ये आपकी प्रॉपर्टीज है जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि करना क्या है, रेंडरिंग के समय काम आता है। फिलहाल वर्ड पर आते हैं और आप देख रहे होंगे कि इसका जो बेस मटेरियल है वो ये पड़ा हुआ है। हमें नया मटेरियल बनाने के लिए सिर्फ प्लस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, ये आपसे न्यू पूछेगा, ब्लैंक होगा और इस पर आप न्यू क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू क्लिक करेंगे, न्यू मटेरियल वन सामने आ जाएगा और इस मटेरियल के बेस कलर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखिए कलर डिज़ाइन होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जिस भी कलर की कार आपको बनानी है, सपोज इस कलर की कार आपको बनानी है, तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, एडिट के ऑप्शन में जाएंगे और जिन एरिए को आपको, जिन जिन एरिए को आपको जो है कलर करना है, वो एरिए को आप सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किसी भी एरिया को क्लिक करके एल दबाएंगे तो सारा एरिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और आप अभी बेस कलर है इस कलर को चूज करके असाइन कर देंगे तो ये कलर असाइन हो जाएगा और आपको आपकी कलर कलरफुल दिखने लगेगी। बट ये क्या, आपको कलर तो दिख ही नहीं रहा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ से चेंज व्यू पोर्ट को, आप जैसे ही चेंज करेंगे ये देखिए ये आपकी कलर चेंज हो, कलर चेंज हो गया। आप जैसे जैसे कलर आप यहाँ पर बनाते जाएंगे ये कलर इस पर मॉडिफाई होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सपोज मान लीजिए ये कलर मैंने फाइनल किया। चलिए अब एक काम करते हैं, इनके पहियों को भी कलर कर लेते हैं और इनके पहियों को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही पहियों को हम सेलेक्ट करेंगे, पहियों का जो कलर है वो बेस कलर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए आप, ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ से हमने क्या करना है, पहिए को ब्लैक करना है। आप ये देखिए सारा पहिया एक बार में ब्लैक हो गया। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्या कि पहियों में कुछ मेटल्स भी होता है, यानी अलॉय रिम्स जो होती हैं, यानी रिम्स जो होती हैं। इसके लिए हमें एडिट में जाना होगा और एडिट में जाने के बाद यहाँ से हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक अलॉय व्हील बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस दबाया तो ये एरिया आपका सेलेक्ट होता चला जाएगा यहाँ तक। और एक यहाँ पर मैं बना लेता हूँ स्टील कलर, जिसके लिए मुझे सिंपली इसको स्टील ही रहने देना है। यहाँ से मुझे जो है इस प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल BSDF है, इसे मुझे चेंज करना है। ये आप चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, इसके सारे ऑप्शंस आपको दे रखा है। ग्लास है, इमेंशन है, ग्लोसी है, तो आप ग्लोसी पर चूज़ करिए और इसको असाइन कर दीजिए। ये देखिए, इसको असाइन करते ही अगर आप अब देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का कलर आपके सामने आ जाएगा, जो कि एक सिल्वर का डिज़ाइन सा लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको और सिल्वर और अच्छा बनाना है तो इस रफनेस को थोड़ा आप कम कर दीजिए। जितना कम करेंगे उतना बढ़िया सिल्वर आपके लिए स्टील तैयार होकर आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए, अब देखिए आप इसको, ये देखिए एकदम बेहतरीन सा स्टील कलर आपके लिए आ गया। हाँ, थोड़ा सा ये अलॉय जो है इसका कुछ अजीब सा है, तो इसे हम, मैंने चूंकि बेसिक बनाया है इस वजह से मैंने आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बट फिर भी आपको मैं इसे ठीक करना बता दे सकता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा और एक अच्छा लुक आ जाएगा इसमें। इवन आप चाहें तो इनके बीच में थोड़ा गैप भी रख सकते हैं अल्टरनेट सेलेक्ट करके। कुछ हल्का सा कहीं गड़बड़ हो गया बीच में, मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। ये लिया, ये छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। ठीक है, अब सिंपली आप जिन चीजों को आपने सेलेक्ट कर रखा है उनको आप सिर्फ फेजेस को डिलीट कर दीजिए और ये देखिए एक एलॉय का लुक आपके पास एक अजीब सा आ जाएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं,
चूंकि पहिया आपका पीछे से बंद है इस वजह से ये, तो कहने का मेरे मतलब ये कि इस तरीके से आप बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसे डार्क कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर वे में आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, तो ये एक अलॉय व्हील सा लुक आपको इस पहिए में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कि आप आगे इन सब पहियों का क्या करते हैं। सपोज आप इनको डिलीट कर दी, सॉरी, सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर दीजिए एडिट करके, और इस इन पहियों को उसकी जगह पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, इस पूरे मॉडल को मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, इधर मैंने वो चीज़ नहीं बनाई हुई है, तो मैं इस पहिए को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब इस पहिए को मैंने सेलेक्ट किया, सिंपली शिफ्ट के साथ डी किया, यहाँ पर लेकर आया, RX-90, आपको RZ-90 करना है 180, और ये व्हील आपका इधर तैयार हो गया। देन आपने इसको सेलेक्ट किया एल दबाकर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, शिफ्ट के साथ डी, और यहाँ पर आप लेकर आ गए। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये चारों पहिए आपके तैयार है। पहियों में अगर आपको थोड़ा सा रफनेस बढ़ानी है तो आप रफनेस को कम करेंगे तो ये शाइनी पहिए हो जाएंगे, लेकिन आप इसकी रफनेस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं ताकि पहिए जो है वो थोड़ा रफली दिखे आपको, ठीक है। इसको हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, पहियों को ही सेलेक्ट करते हैं। डिज़ाइन पहियों में भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बहुत साधारण सा पहिया लग रहा है तो सिंपली आप फेस से इसको सेलेक्ट करिए, इनको सेलेक्ट करिए, देन इनको सेलेक्ट करिए, देन इनको सेलेक्ट करिए, और देन इनको सेलेक्ट कर लीजिए, आई दबाइए, ये देखिए, ई दबाइए, एक्सट्रूड कर दीजिए, ये पहियों में और नेचुरल लुक आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा इतना है दोस्तों कि आप जैसे चाहें उस तरीके से इन चीज़ों को बना सकते हैं बहुत आसानी से। बस सिंपली एक बार में डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। चूंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए सिंपली इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और वापस से अपनी कार को हाइड करिए, मोड में जाइए, वापस से अपनी कार को अनहाइड करिए, और इसको जो है एक डुप्लीकेट तैयार करिए। सिंपली आपको एडिट मोड में जाना है, सेलेक्ट करना है, एक नंबर दबाइए, कैमरा शिफ्ट दी, और इसको ले आइए यहाँ पर, सिंपली इसको रोटेट कर दीजिए RZ-180, ये देखिए, और ये इधर का पहिया तैयार हो गया। थोड़ा सा आप इसे बाहर ले आइए, अभी दोनों को एक साथ सेलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ डी दबाइए, 3 नंबर कैमरे पर आइए, और इसको जो है यहाँ ले आइए। ये मैं एकदम बेसिक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे मॉडल उस तरीके से आप बनाते जाएंगे। आप देखेंगे अगर आप, तो टायर में आपको थोड़ा और नेचुरल लुक नज़र आएगा टायर में गोटियों की वजह से। जी हाँ, इसी तरीके से आप इस रिम में भी जो है नट बोल्ट के लिए भी, आप जो कसा होता है उस नट बोल्ट जिसमें लगाते हैं उसके लिए भी आप चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल लुक आता चला जाएगा जैसे जैसे आप उसका काम करेंगे। चलिए बॉडी में कुछ और काम करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पर मैं एक नंबर प्लेट बना देता हूँ, तो इसके लिए मैं शिफ्ट के साथ डी का इस्तेमाल करूँगा, इसको छोटा करूँगा, ये देखिए, और ई से एक्सट्रूड कर दूंगा, ये देखिए, ई फॉर एक्सट्रूड, Ctrl-1 दबाएंगे हम। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे 1 दबा रहे हैं, 3 दबा रहे हैं, 7, ये कैमरे के एंगल हैं। कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो जस्ट अपोजिट होगा, जैसे 1 दबाया तो फ्रंट, Ctrl-1 तो उसका बैक, ठीक है। तो Ctrl-1 के साथ हम आते हैं और देख लेते हैं सेंटर पर है या नहीं। हमने सिंपली आई दबाया और हमारी ये नंबर प्लेट एकदम बेहतरीन सी तैयार है। ई दबाकर इसको थोड़ा सा हम अंदर कर देंगे, ये देखिए, अभी इसके बॉर्डर को हम सेलेक्ट करेंगे और
और इस पर ब्लैक कलर जो कि ऑलरेडी हमने बना रखा है उस मटेरियल, ओप्स सॉरी, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एक नया मटेरियल बनाएंगे, इस पर ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे, देन हम इसको असाइन कर देंगे, ठीक है, ये देखिए, और इस ग्रे कलर को हम असाइन कर देंगे इस पर। थोड़े बहुत डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो इससे आपकी जो है कि नंबर प्लेट तैयार हो गई है यहाँ पर, ठीक है, आप देख रहे हैं बेसिक चीज़ें मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर हेडलाइट बना सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रिल होता है वो ग्रिल बना सकते हैं बहुत आसानी से, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक आज की ये क्लास। और मैं बहुत बड़ी क्लास नहीं बनाऊंगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था छोटी छोटी क्लास पर ही हम काम करेंगे ताकि आप बोर ना हो सकें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसकी हेडलाइट और इस पे आगे के काम को हम कल की क्लास में करेंगे, फिलहाल आप इतना बनाना सीखिए। और टायर्स देखिए कितने बढ़िया और डायनेमिक लग रहे हैं, एक 2D टाइप के मॉडल में इतने खूबसूरत टायर, एकदम हाई पॉली मॉडल में जो का टायर यूज़ होते हैं ये कुछ इस तरीके का हो गया, तो कुछ इस पर भी अभी काम करेंगे। फिलहाल आपको इतना मैं बनाना सिखा दिया हूँ, इतना मॉडल आप भी बनाइए, और अभी इसके दरवाजे बनाने हैं, उनमें शीशा बनाना है शीशों को, तो ये सब क्लासेस भी हम अगली क्लास में करेंगे। अभी आप क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप बोर होने लगेंगे, इस वजह से फिलहाल आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल इसी क्लास में पार्ट 3 में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ अखैर। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।